जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। ओके, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्लासेस रूटीन में स्टार्ट हो गई आप लोगों की? कोई इश्यूज तो नहीं है? नो सर, अभी तक तो कोई नहीं, क्लासेस स्केड्यूल के मुताबिक। तो इतने ही लोग क्लास लेते हैं? तीन चार ही? ज्यादा भी हो जाते हो? वो एक्चुअली मैं भी ना वेट थी कि लिंक आएगा, फिर मुझे याद आया कि आपने ना वो मीटिंग कोड सेंड किया था, तो मैंने भी अभी मीटिंग कोड, इसी वजह से 3 मिनट लेट हो गई। मैं भी वेट कर रही थी। अच्छा, मैं ग्रुप पे मैसेज कर देती हूँ। जी चल, थैंक यू। तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम इस क्लास में क्या पढ़ा करेंगे। सब्जेक्ट का नाम तो एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा। जी सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे थे हम? यस सर, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेजरमेंट। गुड। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। अभी आप इस सेमेस्टर में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट 1 पढ़ेंगे और अगले सेमेस्टर में इसका सेकंड पार्ट टेस्टिंग 2 होगा। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के, टेस्ट क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी नेचर, इसकी हिस्ट्री, पूरा इसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारी टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कैसे इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिसमें रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, आइटम एनालिसिस है, टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के क्या रूल्स होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस सेमेस्टर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेमेस्टर में ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा होगा इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे। वो जो टेस्ट आप लोग पढ़ेंगे उनको प्रैक्टिकली आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिनिस्टर भी करेंगे, उनकी मजीद थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, उसकी रिपोर्ट राइटिंग भी करेंगे, और उसका जो है वो वाइवा भी एट द एंड ऑफ दैट सेमेस्टर होगा। तो टेस्टिंग में, टेस्ट में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी आपको बताया जाएगा, वो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने नहीं देखना कि वो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, 3 क्राइटेरिया का एक सब्जेक्ट है, इस सेमेस्टर का एक पार्ट है, बल्कि अगर आप फील्ड में रहना चाहते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट कुछ करना चाहते हैं, तो रिसर्च और टेस्टिंग तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको कमांड होनी चाहिए। इन फ्यूचर हर जगह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से ज़रूर आपने देखना है और इन चीज़ों को उस अंदाज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सर ये इजी है या थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने पहली दफा पढ़ने में? जो भी काम पहली दफा करें वो मुश्किल होता है, और जब आप दिलजमी से उसको करने लगते हैं तो वो आसान हो जाता है। मुश्किल और आसान में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि आप एफर्ट कितनी करते हैं। जिस काम को आप करना शुरू कर दें और उसके लिए एफर्ट करना शुरू कर दें वो आसान हो जाएगा, नहीं शुरू करेंगे तो वो आसान से आसान काम भी मुश्किल रहेगा। उसमें इंटरेस्ट का होना ना होना भी एक एलिमेंट होता है। समटाइम्स आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता या आप नहीं करते तो भी वो काम मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि मुश्किल कुछ नहीं होता जिंदगी में, सारा कुछ ही आसान होता है और सारा कुछ ही मुश्किल होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मुश्किल बनाएंगे या आसान बनाएंगे। ओके सर। जी, और कोई अप्रिहेंशन, कोई खौफ, कोई डर?
कोई वसवसा? नो सर, आपका टॉपिक सुन के तो अच्छा लगा, जैसे आपने इजीली बताया रेबिलिटी वैलिडिटी जितनी भी चीजें बताई है, वो तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग उनके बारे में हाउ नो है हम। सर कल ही पेपर ले लें फिर? नहीं सर, अब ऐसा भी नहीं है सर। ये इंटरेस्टिंग इस तरह भी है कि पीछे हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे पर्सनैलिटी की थ्योरी है, इंटेलिजेंस की, और इस तरह की जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उनको हम जो है ना वो मैयर करेंगे टेस्ट के थ्रू, ठीक है? तो ये इंटरेस्टिंग भी तो है ना काफी सब्जेक्ट। जी बिल्कुल, आप अगर इसको दिलजमी से करेंगे और ये काम सीखना चाहेंगे, आपकी तमन्ना होगी सीखने की, तो फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जान छुड़ाना चाहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। पीछे सर सभी सवाल किया करते थे कि मैम अगर ये इंटेलिजेंस हम उनको मेजर कैसे कर सकते हैं, ये पर्सनैलिटी है तो हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, तो वो अब टाइम आ गया सीखने का। जी बिल्कुल, वो टाइम आ गया है जी, अब सारा कुछ मेजर कर सकेंगे आप। इंचेस टेप पकड़ के अपने पास रख लें, अब आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है मेजरमेंट का, इसको जरा थोड़ा सा अगर आप लोग सोचें तो मेजरमेंट का वर्ड जहन में आते ही, ये जैसे मैंने एक वर्ड बोला है कि इंचेस टेप पकड़ लें, तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जहन में आते हैं। इंचेस टेप, कोई फीता, साइकोलॉजी में तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे। ये कुछ हम टेस्ट डेवलप करेंगे, जैसे टैट था, थीमेटिक एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट, और इस तरह के टेस्ट जो है ना वो डेवलप करेंगे। गुड, बिल्कुल इस तरह से न्यूमेरिकली फिगर आती है मेजरमेंट के लिए। हाथ से मेरे माइंड में सबसे पहले स्केल आता है, ठीक है, लेकिन अब साइकोलॉजी है तो अब स्केल वगैरह इन चीजों से हटकर काम होगा और ज्यादा और अलग से स्टडी होगी ना। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि साइकोलॉजी में भी स्केल के साथ ही काम होता है। यस सर, वो पीछे पढ़ा था वाइक हिलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इस तरह का। वेल एंड गुड हो गया। हम साइकोलॉजी में भी स्केल के साथ ही काम करेंगे, बस स्केल मुख्तलिफ होगा। हम वो लकड़ी का और स्टील का स्केल यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमारे स्केल थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो स्केल उसका लाजमी आंसर होता है। हम किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक टूल जरूर इस्तेमाल करते हैं। वो टूल कोई लेंथ मेजर करने के लिए इंचेस टेप होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, फासला मेजर करने के लिए किलोमीटर का है, वेट मेजर करने के लिए किलोग्राम का स्केल है। हम स्केल जरूर यूज करते हैं, हम मेजरमेंट में कोई टूल जरूर यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, पीपी अपरेटस यूज किया जाता है। तो आपके पास एक टूल मेजरमेंट डिवाइस होना भी जरूरी है, और वो किसी स्केल पे मेजरमेंट कर रहा होता है, ये भी जरूरी है। तो जब भी मेजरमेंट की बात होगी तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आना बिल्कुल ठीक है, जिसमें आप इंचेस टेप और स्केल और दूसरे एस्पेक्ट्स जो हम फिजिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में कुछ मेजरमेंट करते हुए यूज करते हैं, तो उनका आपके जहन में आना बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ उसकी डेफिनेशन हमारे इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, और वो कैसे होंगी वो हम इंशाल्लाह चलाएंगे। एक मिनट मुझे दीजिएगा।
जी आई होप काफी सारे लोग आ गए, स्टार्ट करें हम। जी सर स्टार्ट कर, 14th हो गई है। जी कोई भी डिसिप्लिन जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एरिया, कोई भी एरिया ऑफ स्टडी हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसको डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने किस तरह से डिफाइन किया है, वो डिसिप्लिन असल में है क्या, उससे मुराद क्या ली जाती है, उर्फे आम में उसको क्या समझा जाता है। तो आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और उससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट को समझेंगे कि उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जब हमें ये समझ आ जाए, ये आइडिया हो जाए कि टेस्ट क्या होता है और टेस्टिंग क्या होती है, तो फिर हम उसकी बाकी डिटेल्स में जाने के काबिल होंगे। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के रेफरेंस में, डिफरेंट लोगों ने जो टेस्ट को जिस तरह से डिफाइन किया है, उसमें कुछ रेपिटेशंस भी जाहिर है होती हैं, कुछ लोगों के नए पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते हैं। एक डेफिनेशन में आपको कोई एक आस्पेक्ट हाईलाइट होता नजर आता है और दूसरी डेफिनेशन में किसी और स्कॉलर ने कोई और पॉइंट हाईलाइट किया हुआ होता है। तो एक से ज्यादा डेफिनेशंस को डिस्कस करने का मकसद हर डिसिप्लिन में यही होता है कि तो उसके ऑल पॉसिबल आस्पेक्ट्स को हम कवर कर सकें, उसकी जितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, और जिस जिस अंदाज से लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है उन सारी डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग हमें हो सके। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जब भी बात होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को जब भी रेफर किया जाता है, तो जब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसके लिए उसके साथ एसोसिएट की जाती है, वो आपको फर्स्ट डेफिनेशन में नजर आएगी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेजर करने के काम आता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग मोर देन टू पार्टिसिपेंट्स हम देखते हैं, या ये डिफरेंसेस सेम इंडिविजुअल्स में ऑन डिफरेंट ओकेजंस देखने का काम करता है। अब ये जो एक डिवाइस होता है हमारे पास, आपको जहां पे भी टेस्ट की बात मिलेगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट का जिक्र होगा साइकोलॉजी में थ्रू आउट दी लाइफ, वहां कभी इसको डिवाइस कहा जा रहा होगा, कहीं इसको मेजरमेंट डिवाइस कहा जा रहा होगा, कहीं इसको मेजरमेंट टूल कहा जा रहा होगा, कहीं इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जा रहा होगा, कहीं इसको मेजर कहा जा रहा होगा। तो ये सारे सिनोनिम्स, ये सारे वर्ड्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के पर्सपेक्टिव। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैप करता है। अभी जैसे आप लोगों ने बात की कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है, तो अगर आपने हिस्ट्री में कुछ ऐसा जिक्र सुना हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से हमें टेस्ट की जरूरत पड़ी और ये महसूस किया गया कि जो आर्मी ऑफिशल्स हैं उनकी कोई असेसमेंट होनी चाहिए, उनकी कोई इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी के टेस्ट एडमिनिस्टर करके, यूज करके, उनकी कोई असेसमेंट करके हमें उनकी हायरिंग करनी चाहिए थी, और अब अगर हम नहीं की तो अब हम इसको स्टार्ट कर दें। तो वो जो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट अगर आपने कहीं जिंदगी में सुने हो, तो वो जिस तरह से बने, तो उस वक्त से बेसिकली जो टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टूल्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट डिवेलप किया गया, वो यही था कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख सके। एक फौजी के लिए किस तरह का इंसान होना जरूरी है, सबसे पहले यही जरूरत महसूस की गई चेक करने की उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब बहुत सारे इश्यूज उन आर्मी ऑफिशियल्स के आए, तो उनके हवाले से ये सोचा गया कि हमें ये पता होना चाहिए था कि एक फौजी कैसा होना चाहिए। हमने फोर्सेस में जिन लोगों को हायर किया वो इस काबिल नहीं थे कि उनको फोर्सेस में रखा जाता, तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, करेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए ये आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनको चेक करके उनको वहाँ पे हायर किया जाए, रिक्रूट किया जाए या सिलेक्ट किया जाए। तो हम जब किसी भी जॉब के लिए लोगों की सिलेक्शन कर रहे हैं, या उनकी प्रमोशन के लिए उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, या किसी एडमिशन के लिए
बच्चों की असेसमेंट कर रहे हैं या क्लाइंट्स के डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के आपस में डिफरेंसेस देख रहे होते हैं। जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं या एडमिशन टेस्ट ले रहे हैं, अचीवमेंट के टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी देख रहे हैं, तो जो इन फ्रंट ऑफ यू पीपल लोग बैठे होंगे उनके आपस में डिफरेंसेस आप देख रहे होंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल की भी असेसमेंट कर रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस वक्त भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही देख रहे हैं। जब आप टेस्ट यूज करते हैं, आप उसकी स्कोरिंग करते हैं और उससे कुछ कंक्लूड करते हैं, तो वो कंक्लूजन सिर्फ उसी इंडिविजुअल का तो नहीं होता ना। आपके पास उस टेस्ट के जो नॉर्म्स मौजूद होते हैं, जिन लोगों पे उस टेस्ट को डिवेलप किया गया था, स्टैंडर्डाइज किया गया था, उन लोगों के बाकायदा नॉर्म्स उसके मैनुअल में लिखे जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उसमें मौजूद होती है, और आप हर इंडिविजुअल पे जब वो टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके स्कोर को विद रेफरेंस टू दैट नॉर्मेटिव ग्रुप ही चेक करते हैं कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये जो आस्पेक्ट हम हर टेस्ट एडमिनिस्टर करते हुए यूज करते हैं नॉर्मेटिव ग्रुप के साथ कंपेयर करने का, तो उसमें असल में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही देख रहे होते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिस पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ये बाकियों से कितना डिफर करता है, आम लोगों से ये कितना मुख्तलिफ है, इसका IQ कितना मुख्तलिफ है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी डिफरेंट है, इसके एप्टीट्यूड्स में क्या फ़र्क है, इसकी कैपेबिलिटीज में, इसकी अचीवमेंट में, इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टैप करके हमें बताता है। अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना बताए तो उस टेस्ट की कोई सिग्निफिकेंस, कोई वर्थ हमारे लिए नहीं रह जाती। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आपके पास एक BP अपरेटस है, सिग्मोमैनोमीटर है जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, और आप 100 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करें और सारे ही लोगों का ब्लड प्रेशर वो सेम रीडिंग दे आपको 120/80 या 120/90, तो अब आप दो चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। या तो आप ये कहेंगे कि ये सारे लोग एक जैसे हैं, या आपका जो BP अपरेटस है वो ख़राब है। अब ये बात मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारे लोगों का ब्लड प्रेशर एक ही था। 100 लोगों में कोई एक आध दो चार तो ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम या ज्यादा होता। उसके बाद आप मजीद वेरीफाई करने के लिए और 200 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करें और उन पे भी वो वही स्कोर दे रहा हो, वही रीडिंग आपके पास आ रही हो, तो फिर आपके जहन में यही आएगा कि इस BP अपरेटर्स को उठा के दीवार में मार दें, इसका आप कोई फायदा नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही टैप नहीं कर रहा, ये तो सबके लिए एक ही स्कोर देता जा रहा है, सबके लिए एक ही रीडिंग बताता जा रहा है। ये खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर है, ये किसी काम का नहीं रह गया, इसकी वर्थ खत्म हो गई। तो जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी अगर वो हमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्कोर्स नहीं देता, उनके डिफरेंसेस टैप करने में हमारी हेल्प नहीं करता, तो उस टेस्ट की कोई सिग्निफिकेंस, कोई वर्थ नहीं, वो टेस्ट यूजलेस है हमारे लिए। तो बेसिक फंक्शन एक टेस्ट का क्या होता है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टैप करता है और सेम इंडिविजुअल्स के डिफरेंट ओपिनियंस पे डिफरेंसेस टैप करके हमें बताता है। ये जो बात सेकंड पॉइंट है कि वो डिफरेंट ओपिनियंस पे सेम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस बताएगा, ये IQ के लिए और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए नहीं है, बाकी सारे टेस्ट के लिए ये बात एप्लीकेबल होती है। क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस, आपका जो IQ है और पर्सनैलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जब भी उनको चेक करें वो सेम रिजल्ट्स आते हैं। उससे हटके जितने आस्पेक्ट्स हैं आपके, आपका एप्टीट्यूड, आपकी जो लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, आपकी जो मूड स्टेट्स हैं, आपके जो डिसऑर्डर्स हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, ये वेरी करती रहती हैं। आज अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन बाद 2 महीने बाद भी डिप्रेस्ड ही होंगे, और अगर डिप्रेस्ड हैं भी तो उसी लेवल के डिप्रेस्ड होंगे जिस लेवल के आज हैं। तो वेरिएशंस आती रहती हैं हर इंसान में, सिवाय IQ के और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के। सेकंडली आप अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो उसमें ये बताया गया है कि आप बिहेवियर को क्वांटिफाई करते हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, और वो किस लिए क्वांटिफाई करते हैं,
अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए। हम जो भी जब हमने साइकोलॉजी को साइंस बनाया है तो जो साइंस के बेसिक हमारे फंक्शंस थे उसमें अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन दो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो बताए गए कि हम अगर बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ये साइकोलॉजी साइंस ही नहीं रह सकती, और ये काम हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू करते हैं। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मेजरमेंट टूल आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि बिहेवियर को क्वांटिफाई करता है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, एक तो क्वांटिफिकेशन क्या है और दूसरा बिहेवियर यहाँ पे उससे क्या मुराद है। बिहेवियर का वर्ड पढ़ के अमूमन जहन में हमारे ओवर्ट बिहेवियर आता है, हमारे पोस्चर्स, जेस्चर्स, एक्शंस, रिएक्शंस। जबकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जब भी बिहेवियर की बात होगी तो हम ओवर्ट के साथ साथ कोवर्ट बिहेवियर की भी बात कर रहे होंगे। यहाँ पे बिहेवियर सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर के लिए यूज नहीं होगा बल्कि आपके कोवर्ट बिहेवियर जिसमें आपकी कॉग्निशन, थिंकिंग, थॉट प्रोसेसेस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी मेमोरी, लर्निंग, ईच एंड एवरी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, मेंटल प्रोसेसेस सारे के सारे वो आपका कोवर्ट बिहेवियर होते हैं, तो इस बिहेवियर में वो भी शामिल हैं। हम आपके ओवर्ट और कोवर्ट दोनों बिहेवियर्स को जाहिर है असेस करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो बिहेवियर को क्वांटिफाई करता है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्वांटिफाई कैसे करता है, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करते हैं, हम क्वांटिटी में बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मरीज बीमार है, ये डिप्रेस्ड है और ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। हम ये नहीं कहते कि जी ये ठीक हो गया है और बहुत ज्यादा ठीक हो गया है, ये कम और ज्यादा की टर्म्स तो नहीं यूज करते ना, हम क्वांटिफाई करते हैं बिहेवियर। वो क्वांटिफिकेशन कैसे होती है, अगर आपने कोई चीज खरीदनी हो कहीं से, आपने कोई फ्रूट खरीदना है तो आप किसी शॉपकीपर को जाके ये तो नहीं कहते ना कि जी आज हमारे घर में मेहमान आने हैं बहुत ज्यादा, तो आज बहुत ज्यादा सेब दे दें, आज बहुत ज्यादा केले दे दें जी। वो कहता है जी स्ट्रॉबेरी भी ले जाएं, अच्छा थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी दे दें। वो जब थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कहें तो वो स्ट्रॉबेरी के दो पीस उठा के आपके हाथ में रख दे के ले जी ये थोड़ी सी ले जाएं। तो ऐसे तो हम नहीं कहते ना, हम क्वांटिफाई करके वहां पे बात करते हैं, क्वांटिटी की टर्म्स में बात करते हैं। वो क्वांटिटी क्या होती है, 4 किलो दे दें, 2 किलो दे दें जी, 3 दर्जन दे दें। तो आपने एक न्यूमेरिक फिगर वहां पे बोली है 2, 4, 5 और साथ एक स्केल बोला है जिसमें किलोग्राम या दर्जन का आपने वर्ड बोला है। तो वो जो स्केल और न्यूमेरिक फिगर है दैट इज क्वांटिफिकेशन, आपने क्वांटिटी की टर्म्स में बात की है, आपने वेग टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की। तो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो वो भी ऐसा मेजरमेंट डिवाइस है जो बिहेवियर को क्वांटिफाई करके बताता है। क्वांटिफाई कैसे होगा, उसमें एक स्केल होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे किलोग्राम की, दर्जन की और किलोमीटर की और लीटर की बात हम करते हैं, और साथ एक न्यूमेरिक फिगर होगी। तो वो जो स्केल्स हैं आपके, आपने रिसर्च में पढ़े होंगे, अभी रिसर्च में रखा आप लोगों ने नहीं पढ़ी, एम आई राइट? नो सर, यस सर। चलें वो हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी स्केल्स की टाइप्स हम भी पढ़ेंगे, रिसर्च में भी आपके वो पोर्शन होता है, नॉमिनल स्केल्स होते हैं, ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं, रेशियो स्केल्स होते हैं, इंटरवल स्केल्स होते हैं, उनकी डिटेल में हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास एक स्केल होगा और एक न्यूमेरिक फिगर होगी। वो न्यूमेरिक फिगर आप कहते हैं जी इसमें डिप्रेशन 15 से 17 की रेंज में, 17 से 20 की रेंज में, 20 से 25 की रेंज में, कोई एक फिगर जो है वो आपकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आ गई। आपने कहा जी 22 और 22 किस स्केल पे है, वो स्केल आपने बताया। अब उसकी रेंजेस उस टेस्ट के मैनुअल में मौजूद हैं, आप उसको देख के ये समझ सकते हैं कि अगर इसका स्कोर इतना है तो ये सीवियर डिप्रेशन की कैटेगरी में है, अगर स्कोर इतना है तो ये मॉडरेट डिप्रेशन की कैटेगरी में है, अगर स्कोर इतना है तो माइल्ड की कैटेगरी में है, अगर स्कोर इतना है, इतने से इतने तक आता है तो वो उसमें डिप्रेशन नहीं है, डायग्नोजेबल लेवल पे नहीं है। तो आपके पास जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं वो क्वांटिटी के फॉर्म में आते हैं। आप बिहेवियर को मेजर कैसे करते हैं, क्वांटिफाइबल बना के आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स में चेक कर रहे होते हैं, वेग टर्म्स में चेक नहीं कर रहे होते।
और जब आप ये देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आपके पास आप इस स्टेज पे खड़े होते हैं कि आप उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते। अगर जिस तरह से हम प्रोग्नोसिस देते हैं ना कि जी ये पेशेंट ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है, वो कैसे प्रिडिक्शन देते हैं, वो भी उसके टेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो उसके जो प्रेजेंट बिहेवियर्स होते हैं, उसके हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, उसकी स्पीच कंटेंट एनालिसिस, उसको देखते हुए ये डिटरमिन करते हैं ना कि ये मरीज ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। दो सेशंस की हमने जो अचीवमेंट उसमें देखी है उसकी बेसिस पे हम ये प्रोग्नोसिस दे सकते हैं कि जी मजीद इतने सेशन के बाद इसको सेशंस की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो सारा काम हम कर रहे होते हैं जिसमें हम प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं, वो उस टेस्ट के बेस पे ही दे रहे होते हैं। जब हम किसी कंपनी में कुछ हायरिंग कर रहे हैं, लोगों की असेसमेंट करके उनको जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो असल में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया। जिन लोगों को हम ज्यादा ग्रेड्स दे रहे हैं, आज अगर हम अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं, हम आप लोगों ने 3 semesters आपके हो चुके हैं, आप पढ़ के आ गए हैं, तो आप लोगों ने 3 semesters में जितनी जितनी GPA आई, जिस बच्चे का थ्रू आउट ए ग्रेड आता रहे हर सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में, उस बच्चे को हम असल में ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर फील्ड में जाके ये कामयाब साइकोलॉजिस्ट होगा। जिसको हम सी ग्रेड दे रहे हैं या जिसका सी ग्रेड आ रहा है, जिसका डी आ रहा है, वहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है कि ये फील्ड में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकेगा। अगर फ्यूचर में ये ऐसा ही होता है तो वो वैलिडेट हो जाएगी हमारी ये प्रिडिक्शन जो आज हमने की है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो वैलिडेट नहीं होगी। इन एनी केस हम जो कुछ भी कर रहे हैं टेस्ट की बेसिस पे, जो भी रिजल्ट बना रहे हैं उसमें चाहे हम प्रिडिक्शन की कोई टर्म यूज करते हुए ये बताएं कि फ्यूचर होगा या नहीं होगा, या वो ना बताएं, इन एनी केस प्रिडिक्शन हो रही होती है। हम जो भी रिजल्ट दे रहे होते हैं वो असल में कुछ प्रिडिक्ट ही कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो एक ऑथर की है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ डिवाइस टू मेजर इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कोई इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, उसने जस्ट ये बताया है कि आपकी इंडिविजुअल एबिलिटीज और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए टेस्ट डेवलप किए जाते हैं, और ये ज्यादातर पर्सनैलिटी टेस्ट की बात इस डेफिनेशन में हो रही है। Then it is a set of standardized controlled occasions for response presented to an individual is designed to elicit a representative sample of his behavior when meeting a given kind of environmental demands is called psychological test. Controlled standardized conditions में जो आप stimulus देकर एक response लेते हैं client से, उसके basis पे जो आप जो कुछ भी behavior का sample collect कर रहे हैं और उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारा काम असल में साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हो रहा होता है। अब ये कंट्रोल्ड ओकेजंस कैसे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड ओकेजंस के जो भी टेस्ट आप यूज करते हैं, बेसिकली वो टेस्ट हमेशा उसमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि किन लोगों को ये टेस्ट दिया जा सकता है, किन लोगों से ये टेस्ट करवाया जा सकता है, क्या ये टेस्ट मेल फीमेल दोनों के लिए है या सिर्फ मेल्स को के ऊपर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ये टेस्ट जो है वो किन कंडीशंस में एडमिनिस्टर किया जा सकता है। कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में ये कहा गया हो कि जब क्लाइंट अभी फ्रेश मूड में हो, सुबह का टाइम हो, सिर्फ उस वक्त ये टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाएं, जब लोग थके हुए हों उस वक्त ये टेस्ट एडमिनिस्टर ना किए जाएं। तो टेस्ट के कुछ टाइमिंग्स बालकात बताए जाते हैं, कुछ लोगों के हवाले से स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ग्रेड्स के हवाले से होती हैं कि ये टेस्ट इस क्लास से इस क्लास तक यूज हो सकता है, इस एज से इस एज तक यूज हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं, दैट इज कंट्रोल्ड कंडीशंस, कंट्रोल्ड ओकेजंस के जहाँ पे हो सकते हैं, जो उनकी लिमिटेशंस और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसको करते हैं, और वो सारे प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज्ड भी होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड होने का मतलब ये है कि उनमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स हो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर। आप स्कूल में जाते थे तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, वो जो ड्रेस एक तरह का ड्रेस हम पहनते थे वो यूनिफॉर्म ड्रेस कहलाता था, इसलिए कि वो एक ही तरह का था, इसलिए उसको यूनिफॉर्म कह दिया जाता था। असल में वो ड्रेस था जिसको यूनिफॉर्म कह दिया जाता था।
तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स में आप सारे के सारे प्रोसीजर्स एक ही तरह से रखते हैं, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा उसमें किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स होगी कि वो अगर अमेरिका में एडमिनिस्टर किया जा रहा है, वो अगर यूरोप में किया जा रहा है, वो इंडिया में किया जा रहा है, वो मिडल ईस्ट में किया जा रहा है, वो पाकिस्तान में किया जा रहा है, हर जगह पे सेम पैटर्न पे एडमिनिस्टर किया जाएगा। उसकी इंस्ट्रक्शंस बाकायदा उसके मैनुअल में मौजूद होती हैं कि किन लोगों को ये देना है, किस तरह से इसकी इंस्ट्रक्शंस उनको देनी है, उनको क्या कहना है करने के लिए, फिर कितने टाइम में इसका एडमिनिस्टर करना है, फिर वापस लेके आपने कैसे इसकी स्कोरिंग करनी है, कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है। ईच एंड एवरी स्टेप एंड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज प्री रिटन इन द मैनुअल और बुकलेट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये जो कुछ लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसेस किया जा रहा होता है, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स है उसका हम जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड कंट्रोल्ड ओकेजंस पे जब आप रिस्पॉन्स लेते हैं क्लाइंट से, आप हर क्लाइंट को जब आप टेस्ट दे रहे हैं असल में तो एक स्टिमुलस उसको दे रहे हैं। वो स्टिमुलस या तो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकता है, आप उसको कहते हैं जी स्टेटमेंट पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दें, आप यस और नो करें, आप ए बी सी में से कोई एक टिक कर दें, आप ये खाली जगह पूर कर दें, आप उसको कोई स्टिमुलस ऐसा भी दे सकते हैं कि जिसमें आप कहते हैं ये पिक्चर देखें और इस पर एक कोई स्टोरी लिख के दिखाएं, आप स्टिमुलस ऐसा भी दे सकते हैं जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन हो और आपने कुछ नहीं दिया, आपने कहा जी आप एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके दिखाएं, आप हमें कुछ करके दिखाएं, जो भी आपने असल में उसको करने को कहा है या करवाने को कहा है वो स्टिमुलस है, उस पर अब उसका एक रिस्पांस आएगा। वो जो रिस्पांस आ रहा है असल में वो आपके लिए अब सैंपल है बिहेवियर का जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। वो जो बिहेवियर की हमने बात की थी कि वो ओवर्ट बिहेवियर भी होगा और कोवर्ट भी होगा, अब जो भी मेजर कर रहे हैं आप उसकी इंटेलिजेंस से लेके एबनॉर्मैलिटीज तक किसी भी डिसऑर्डर को टैप कर रहे हैं या किसी भी उसकी क्वालिटी को टैप कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को आप असल में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। जिस बिहेवियर की भी बात हो रही है उसका सैंपल अब हमने कलेक्ट किया उसके रिस्पांस की फॉर्म में, वो सैंपल जो है वो कैसे आया, वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा, ये अभी हम वेरी नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होती है तो उसमें हम ये सैंपल की बात करेंगे कि वो सैंपल कैसे होगा और वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा। तो आपके ये जो बिहेवियर्स उसमें से उसका एक सैंपल आप कलेक्ट करेंगे उस कंट्रोल्ड ओकेजंस में, जिस स्टिमुलस के थ्रू वो करेंगे वो स्टिमुलस आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है और वो हमेशा कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, ऐसे ही नहीं कि हर टेस्ट किसी को भी कभी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। अगेन सैंपल ऑफ बिहेवियर की बात हो रही है तो सैंपल ऑफ बिहेवियर और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बिहेवियर हम अगली क्लास में इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज कि आप जो टेस्ट यूज कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट वो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। स्टैंडर्डाइजेशन की अभी हम बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स, और ऑब्जेक्टिव कैसे है कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट्स डिराइव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं होते। आप उसमें क्वांटिफिकेशन की जब बात ले आते हैं, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स ले आते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। और साइंस भी आपको पता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, वो 2+2=4 हमेशा 4 ही होता है। वो अगर 2+2 यहाँ पे कहेंगे तो भी 4 है, इंडिया में कहेंगे तो भी 4 है, अमेरिका में जाके कहेंगे तो भी 4 है, वो 6 नहीं हो जाएगा। आपकी क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जब हो जाती है तो आपके पास जो भी फाइंडिंग्स आती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती है। यहाँ पे हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को भी डिस्कस नहीं कर रहे, उसमें थोड़ी सी एक वेरिएशन होती है, उसको हम जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो फिर जाके डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव से कैसे डिफरेंस उसमें होता है और उसमें भी हम जो है वो ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से ला सकते हैं। तो कलेक्टिवली हम ये कहते हैं कि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या एरर्स उसमें नहीं होते। तो वो एक सैंपल ऑफ बिहेवियर हमें कलेक्ट करके देता है, उसका हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम
कंपैरिजन करते हैं, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो हम जाहिर है एज कंपेयर टू अदर्स ही किसी इंडिविजुअल को का डिफरेंस देखेंगे. तो हम ये जो डिफरेंसेस देखते हैं टू और मोर पर्संस में टेस्ट के थ्रू, वो कैसे होते हैं, वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हैं. हम जैसे साइंस की अगर आपने करैक्टरिस्टिक्स आपको पता हो कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, उसमें सिस्टम भी होता है. आप बगैर सिस्टम के साइंस हो ही नहीं सकती. इसी तरह से टेस्टिंग और टेस्ट के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आपको पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक बाकायदा डिक्टेट किया जाता है कि आपने क्या क्या करना है और किस तरह से करना है. वो जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स है वो उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच पे जो है वो डेवलप की गई होती है. आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो क्या करना है, आपने एरर ऑफ मेजरमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, आपने इंटरप्रिटेशन में कौन सी चीजों को ऐड करना है, कौन सी नहीं करना, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, ईच एंड एवरी स्टेप वो डिटेल्स लिखी जाती है. तो वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स असल में उसके सिस्टमेटिक अप्रोच को डिपिक्ट कर रही होती है. तो आपका टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टेक्निकली, ऑब्जेक्टिवली और क्वांटिफाइएबल मैनर में मेजर करने में हेल्प आउट करता है. इसके बाद एक डेफिनेशन मजीद है टेस्ट की, और उसके बाद टेस्टिंग की एक डेफिनेशन है 7 और 8. हम अगली क्लास में इंशाल्लाह इनको देखेंगे और सैंपल ऑफ बिहेवियर की बात करेंगे अगली क्लास में. अभी जस्ट 2 मिनट रह गए हैं इस क्लास के, ये खत्म होने वाली है. अभी आप लोगों के क्वेश्चंस, यहाँ तक कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई वो पूछना चाहेंगे पूछ लें, फिर हम क्लास एंड करेंगे और फिर अगली क्लास 12 बजे स्टार्ट करेंगे अगेन. जी, एनीथिंग टू आस्क? जी सर, यहाँ तक समझ आ गई. सर, ये डेफिनेशन सर आपने खुद लिखी है ये? जी लिखी मैंने है, लेकिन मेरी है नहीं. अच्छा सर, मुझे लगा सर आपने आप ही हैं. ठीक है, मैं इतना बड़ा स्कॉलर नहीं बना सर. ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन हैं. इसमें एक एनास्टेसी की है, एक फ्रीमैन की है, वुडबर्ग की है, एकन की है एक डेफिनेशन, ये जो है मार्नेट की एक डेफिनेशन है. तो ये डेफिनेशंस हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटीज होती हैं, वो उस फील्ड को अपने अंदाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो लोग. तो हम एक से ज़्यादा डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं ताकि उस फील्ड के सारे डायमेंशन, सारे आस्पेक्ट्स को हम कवर कर सकें. कुछ लोगों ने किसी एक आस्पेक्ट को फोकस किया होता है, कुछ ने किसी और को किया होता है, तो इसलिए हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं. जी अच्छा सर, डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं या नेशन होती है, उनकी साइकी डिफरेंट होती है, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सारी दुनिया के ममालिक पे अप्लाई हो जाती है. जी, जो सारी हो जाती है, लेकिन उसका तरीका है कि वो सारी में कैसे अप्लाई होगी, डिफरेंसेस को कैसे हम नोट करेंगे. ये अब हमारे पास चंद सेकंड रह गए हैं, ये हम अगली क्लास 12 बजे अब दोबारा शुरू करेंगे, तो मैं यहीं से पहले स्टार्ट लूंगा कि सारी दुनिया में इसको कैसे यूज किया जाता है, फिर हम नेक्स्ट बातें करेंगे. तो अब चूंकि वो बात खत्म नहीं हो सकेगी.